हेलो क्लास एट के स्टूडेंट, ध्यान दें। आज आप लोग को पढ़ना है चैप्टर सिक्स, जो मैथ एनसीईआरटी का है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चैप्टर सिक्स जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले जानेंगे स्क्वायर किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिफिनेशन जानेंगे स्क्वायर का, स्क्वायर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, एक सिंपल जब स्क्वायर हम लेंगे तो सिंपल स्क्वायर जो होता है वो कहता है डिवीजन, उसको जानते हैं। लेकिन ये जो है स्क्वायर ऑफ ए नंबर, क्या है, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो डिफिनेशन यानी स्क्वायर है, स्क्वायर सबसे पहले स्क्वायर की यानी क्या है, स्क्वायर की डिफिनेशन यानी स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो स्क्वायर ऑफ नंबर यानी ए नंबर राइज हैज 2 दी पावर 2 इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ नंबर। जिस संख्या, जिस भी नंबर का पावर अगर 2 हो, जिस भी किसी भी नंबर का पावर अगर 2 होता है उसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ ए नंबर। जैसे मान लीजिए नंबर 3 ले लिया, 3 का पावर 2, 4 का पावर 2, 5 का पावर 2, यानी किसी भी नंबर का पावर अगर 2 होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ ए नंबर कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं दूसरा होता है क्या, स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कहते हैं। तो इफ ए नंबर एक्सप्रेस एक्सप्रेसेड इन दी फॉर m इनटू m, यानी कि संख्या को m और m m इनटू m के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, m या m इनटू m के रूप में दिया हुआ हो, तो देन m इज कॉल्ड ए स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। जिसमें से क्या होगा, एक m जो क्या होता है दिए हुए स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा, दिए हुए नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने 5 दिया रूट में, क्या लिखे, अंडर रूट 25, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, यानी एम इंटू एम लिख लिए। इसमें से एक नंबर होगा, ये गिवन नंबर है, दिए हुए नंबर क्या है, अंडर रूट 25, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कितना 25 का मैं स्क्वायर निकाल लिखता हूँ क्या 5। उसी प्रकार मान लीजिए 81 का निकालना हमको, एक और देख लेते हैं 81, इसको भी हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9, यानी देखिए ये भी एम इंटू एम के रूप में हो गया। तो इसमें एक जो यम हो हम क्या लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ दी गिवन नंबर, एंड दिए नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है क्या 9, ठीक। ये आपका एक डिफिनेशन हुआ। इसी का एक दूसरा डिफिनेशन हो सकता है क्या, कि और यानी अलग अथवा दूसरा, कि ये नंबर दैट प्रोड्यूस अनदर नंबर मल्टीप्लाई इट्स, एक नंबर जो दूसरे नंबर में क्या किया स्वयं से ताकि उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, तो दी गिवन पार्टिकुलर नंबर जो हमारा पार्टिकुलर नंबर जो दिया होता है, दिस इज द प्रोड्यूस नंबर इज कॉल्ड ए स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर दिया हुआ होता है उसका एक नंबर जो होता है क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट। मान लीजिए फिर सीख लिया, इसको हम कर सकते हैं 6 × 6, पार्टिकुलर नंबर मान सीख लिए, अब इट सेल्फ स्वयं से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से ही मल्टीप्लाई कर दी 6 × 6। इसमें जो एक नंबर जो होगा जो दिया है क्या पर्टिकुलर नंबर, मान लीजिए एक नंबर लेते हैं तो क्या होगा 6, यानी जो गिवन नंबर जो हमारा क्या है 36 है ना, इसका क्या हो जाएगा वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा ये जो एक्सरसाइज अगला है उसको आप लोग बनाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको वीडियो में कमेंट करेंगे, उसको अगला वीडियो उसको उस पर बनाकर अब फिर सेंड किया जाएगा,